भगवत गीता साक्षात भगवान की वाणी है। यह अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ दैवी संवाद है। यह संवाद आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर हुआ। भगवत गीता में जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है, जैसे हम कौन हैं, भगवान कौन है, हमें कष्ट क्यों होते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है, क्या अन्य ग्रहों पर जीवन है, हम कैसे इस जन्म और अगले जन्म में सुखी रह सकते हैं, हम कैसे भगवत धाम को जा सकते हैं। कोई पूछ सकता है कि कुरुक्षेत्र में हुए महान युद्ध जिसके दौरान भगवत गीता कही गई, उसका कारण क्या था। 5000 वर्ष पहले विचित्र वीर्य नामक एक महान राजा का देहांत हो गया, क्योंकि उसका बड़ा पुत्र धृतराष्ट्र जन्म से अंधा होने के कारण राज्यभार संभालने में असमर्थ था। अतः उसके छोटे भाई पांडु ने राज्य सिंहासन संभाला। पांडु की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्र जो पांडवों के नाम से विख्यात थे, जो नियमानुसार राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन पांडव भी बालक ही थे, अतः धृतराष्ट्र ने स्वयं राज्यभार संभाला। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। जब पांडव बड़े होकर राज्य संभालने लायक हुए तो वे संपूर्ण राज्य नहीं लेना चाहते थे, हालांकि वह उनका नियम संगत अधिकार था। वे राज्य को अपने चचेरे भाइयों के साथ बांटना चाहते थे और इस प्रकार राज्य को पांडवों और कौरवों के बीच बांट दिया गया। लेकिन कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन अपने भाग से संतुष्ट न था। वो संपूर्ण राज्य को स्वयं ही भोगना चाहता था। उसने पांडवों को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन वो असफल रहा। फिर उसने नियम के विरुद्ध संपूर्ण राज्य को हड़प लिया और पांडवों को राज्य से निष्कासित कर दिया। पांडवों ने फिर 5 गांव की मांग की। दुर्योधन ने उत्तर दिया, 5 गांव तो दूर, वो सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। भगवान श्री कृष्ण ने जमीन के इस झगड़े को शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक तरीके से सुलझाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन दुर्योधन ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए पांडवों के प्रति युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार महाभारत का महान युद्ध अवश्यंभावी हो गया। युद्ध की तैयारी में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद मांगने को आए किसी भी व्यक्ति को नहीं ठुकराते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सेना को एक ओर तथा स्वयं को मार्गदर्शक के रूप में दूसरी ओर देने का प्रस्ताव रखा। दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की सेना को चुना, जबकि अर्जुन भगवान को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करने को उत्सुक था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मार्गदर्शक तथा सारथी बने। युद्ध स्थल में अर्जुन एक दुविधा में पड़ गया कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़े, जिसके लिए आवश्यक था अपने ही स्वजनों का वध, या युद्ध भूमि से पलायन कर दुष्ट दुर्योधन को राज्य पर शासन करने दे। अर्जुन अपने को इस दुविधा से बाहर निकालने में असमर्थ पाकर भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। शरणागत आए अपने मित्र एवं भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेश द्वारा इस दुविधा से उबारते हैं और श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से अर्जुन के ही समान अपनी शरण में आए सभी भक्तों का